राधा मोहन जी जितना काम किए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे 40 लोकसभा जो बिहार में है, पिछले 5-10 साल में जो राधा मोहन जी मोतिहारी के लिए किए हैं, एक सांसद का आप नाम बता दीजिए जो इनके समतुल्य खड़ा होता हो। लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है मोतिहारी का मूड क्या है इस बार? मोतिहारी का मूड इस बार पूरा आपको बताऊं मतलब भाजपा में है। राधा मोहन से फिर आएंगे हम, क्या काम हम किए हैं, बहुत काम किए हैं। किस तरह मोतिहारी से मोतिहारी का सांसद कौन बन रहा है इस बार? मोतिहारी का सांसद तो मिला जुला करके राधा मोहन जी निकल जाएंगे। आप अपने पीछे कैमरा घुमाइए, जो ओपन जिम दिख रहा है ये राधा मोहन जी ही लगवाए। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है भारत के? प्रधानमंत्री तो मोदी जी के मरने के बाद ही दूसरा आदमी बनेगा। मोदी जी के मरने के बाद? हाँ। दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं सस्ट टॉकिंग। लोकतंत्र का पर्व चुनाव का आगाज हो चुका है, सभी पार्टी सभी नेताजी चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं और बोल रहा है कि कोई बोल रहा है 400 पार, कोई बोल रहा है कि किसका सरकार बनेगा। ये भाई साहब सब आज मोतिहारी के गांधी मैदान में हैं। इन लोग से पूछेंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा और मोतिहारी में विकास हुआ है या नहीं। इस बार लोकसभा चुनाव आ गया है, क्या मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव जो है वो देश के लिए होता है। मतलब ये सांसद लोग जीत जाते हैं, जीत के तो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो हमें इस समय देश, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्रहित, सशक्त राष्ट्र बनाने वाला ऐसा नेता जो है उसको मजबूत करना है। जात पात से ऊपर उठकर हम लोग जो भी हैं भाजपा के कैंडिडेट को वोट देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। देश आज हिंदुस्तान इतना अच्छा कर रहा है, पूरे विश्व में इतना अच्छा आर्थिक स्थिति किसी भी देश का नहीं है, किसी देश का नहीं है, इवन अमेरिका का भी नहीं है। तो हम लोग क्यों नरेंद्र मोदी को कमज़ोर करें? उसके बाद जब लोकल लेवल पे भी आप आते हैं, भाजपा के जो यहाँ कैंडिडेट है राधा मोहन जी हुए, जी राधा मोहन जी है, उनका देखिए रिपुटेशन कितना अच्छा है। 40-45 साल का कैरियर उनका पॉलिटिक्स का है जी। कोई नहीं कह सकता है, उनके विरोधी भी नहीं कह सकते हैं कि किसी गलत आदमी को, किसी बाहुबली को, किसी दबंग को, किसी क्रिमिनल को वो प्रमोट किए हों। सर, 40 साल के राजनीति में ये बहुत बड़ी है उपलब्धि होती है। उनका छवि मतलब ठीक है? छवि ठीक नहीं, छवि सबसे बढ़िया है। विकास किए हैं मोतिहारी में या नहीं? सर, विकास की जब बात है, विकास क्या है, एक कॉम्पेरेटिव चीज है। विकास का जब भी हम बात करेंगे ना, तो पहले क्या था और आज क्या है, इन दोनों का आकलन करेंगे तब आपको पता चलेगा विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। आप अपने पीछे कैमरा घुमाइए, जो ओपन जिम दिख रहा है ये राधा मोहन जी ही लगवाए हैं। सारे अभी तो 9 बज गया तो सब धूप में चले गए, सुबह आइएगा तो खचाखच भरा रहता है गांधी मैदान। आप यहाँ से शुरू करिए और चले जाइए रेलवे स्टेशन तक, सड़क के किनारे, सड़क का चौड़ीकरण, मोतिहारी इतना चौड़ा रोड पटना के अलावा बिहार में कहाँ है जी? आप भी देखें, लगता है कि पटना के बेली रोड में हम घूम रहे हैं, जो कचहरी वाला रोड है रात को लगता है कि बेली रोड में। इतना सुंदर ऑडिटोरियम, 2000 सीटिंग कैपेसिटी है। आप उसके देख चरखा पार्क जाके देख के आइए, इतना सुंदर जो टॉम्ब जो बना हुआ है, फाउंटेन चलता है रात को, वहाँ खचाखच बच्चों की भीड़ भरी रहती है, ये सब राधा मोहन जी की है। जब तेजस्वी यादव आए थे गांधी मैदान में ही तो कुछ नहीं काम किए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव तो अब कैसे बोल देंगे, वो तो विरोधी हैं, वो अपने कैंडिडेट का प्रचार करेंगे। आप जनता से पूछिए ना, हम लोग तो किसी पार्टी के वर्कर नहीं है, ना किसी पार्टी के कार्यकर्ता है, सदस्य कार्यकर्ता तो छोड़ दिए, हम लोग किसी पार्टी के सदस्य भी नहीं है। रोजी रोटी कमाने वाले, बिजनेस व्यापार करने वाले लोग हैं। तो जनता से पूछिए ना, आप किसी पर्टिकुलर पार्टी से तेजस्वी यादव से पूछिएगा, चाहे मुकेश जी से पूछिएगा, मुकेश सहनी जी से, तो वो लोग तो अपने कैंडिडेट का ही बात करेंगे। तो ऐसा बात नहीं है, राधा मोहन जी जितना काम किए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे 40 लोकसभा जो बिहार में है, पिछले 5-10 साल में जो राधा मोहन जी मोतिहारी के लिए किए हैं, एक सांसद का आप नाम बता दीजिए जो इनके समतुल्य खड़ा होता हो। विकास किए हैं मोतिहारी का? विकास किए हैं, बहुत अच्छा विकास किए हैं। आप देखिए कि 6-6 फ्लाईओवर मोतिहारी जैसे छोटे शहर में, 2 अभी पास हुआ है, टेंडर भी हो गया है, 3 अभी रनिंग में है, चंदमारी में काम शुरू हो गया है 4, और 2 का टेंडर हुआ, 6 फ्लाईओवर एक शहर में। उसके बाद देखिए कि दोहरीकरण रेलवे की, पहले जो है सप्तक्रांति जब मुजफ्फरपुर से चलती थी तो गोरखपुर तक जो है डीजल इंजन जाता था, और वहाँ से इलेक्ट्रिक या फिर लखनऊ में जाके इंजन चेंज होता था। अब तो मुजफ्फरपुर से ही इलेक्ट्रिक इंजन लगता है और सीधे दिल्ली जाता है। उसके से इतना ट्रेन का जो है, राधा मोहन जी अभी 6 महीना पहले जो मेमू ट्रेन दिए हैं पटना के लिए, मात्र 65 रुपया में मुजफ्फरपुर जो है
आप यहाँ मोतिहारी 6 बजे बैठिए और 9:30 बजे जो है पटना पहुँच जाइए मात्र 60 रुपया में। कितना बड़ा काम हुआ है। जितने सरकारी दफ्तर वाले लोग हैं, जितने पटना जाने वाले कोर्ट कचहरी वाले लोग थे, 6 बजे यहाँ बैठते हैं, 9:30 बजे पाटलिपुत्र पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ से काम उम करके वहाँ से 5:30 बजे फिर वह ट्रेन पकड़ के 60 रुपया में वापस मोतिहारी। तो ये कितना बड़ा देन है। तो उनके काम से आप खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं। सबसे पूछेंगे, ओ भैया, लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है, मोतिहारी का मूड क्या है इस बार? मोतिहारी का मूड इस बार पूरा आपको बताऊं, मतलब भाजपा में है। मोहन से फिर आएंगे हम लोग। क्या काम उम किए हैं? बहुत काम किए हैं। उनके काम से खुश हैं आप? बहुत खुश हम लोग हैं। मेन हम लोग देख रहे हैं भाई मोदी को, नरेंद्र मोदी जो है उनको हम लोग मतलब देख रहे हैं। हम लोग की इच्छा है कि फिर जो है तिथि मतलब वो जो है थर्ड टर्म जो है वो मतलब पीएम बने। यही इच्छा हम लोग की है। यही इच्छा? हाँ, यही इच्छा है। चलिए, लोकसभा चुनाव पे ये कर रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है इस बार मोतिहारी का? माहौल तो बहुत अच्छा है। कौन जीत रहा है मोतिहारी से? मोतिहारी का सांसद कौन बन रहा है इस बार? मोतिहारी का सांसद तो मिला जुला करके राधा मोहन जी निकल जाएंगे। मिला जुला करके निकल जाएंगे? हाँ, मिला जुला करके। चूंकि देखिए, यहाँ पे काम भी किए हैं, लेकिन अंतिम क्षण में काम किए हैं। ये सब जो आपको जिम वगैरह दिख रहा है ना, ये लास्ट पेज का काम है। मतलब देखेंगे कोई पूछने वाला नहीं है तब जाकर काम कराना शुरू किए। अब बहुत पुराने सांसद हैं, अच्छे भी हैं, ऐसा कोई उनका फीडबैक खराब नहीं है, बाकी लोगों से तो बहुत ही अच्छे हैं। तो इस प्रधानमंत्री कौन बन रहा है भारत के? प्रधानमंत्री तो मोदी जी के मरने के बाद ही दूसरा आदमी बनेगा। मोदी जी के मरने के बाद? हाँ, वो मर जाए वो सीट वेकेंट नहीं होगा। हाँ, यहाँ का भी हमारा यहाँ का भी आकलन यही है कि भाग बहुत बना करके राधा मोहन जी आए हैं, इनके मरने के बाद में फिर यहाँ दूसरा सांसद चुना जाएगा। मैंने ऐसा सांसद ये बोल रहे हैं भाई साहब कि ऐसा सांसद नहीं आएगा, क्या सही में? नहीं, सांसद ये व्यक्तिगत रूप से बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन अगर वर्क के दृष्टि से अगर देखा जाए तो मेहनती नहीं। मेहनत करना चाहिए उनको ग्राउंड पे। तो उम्र भी हो गया है? नहीं, उम्र हो गया है तो भाई सिलेंडर भी तो बोलना चाहिए। नौजवान लोग क्या करेंगे? नौजवानों के लिए भी तो चाहिए जी, कि नौजवान सब दिन उनका पलकी ढोएगा? छोड़ना चाहिए, दियाएगा नौजवान को। ठीक है, वैसे लोकसभा चुनाव के लेकर ये भाई साहब सबसे पूछे हैं कि लोकसभा चुनाव में किस मुद्दा पे वोट करेंगे, मेरा प्रयास कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।